you all are fine. Children, in class 4th maths, today we are going to start lesson 3, addition of numbers. तो बेटा आज हम लोग एडिशन सीखेंगे. यहाँ पे देखिए 5 और 6 डिजिट का हम एडिशन विथ कैरी और विदाउट कैरी सीखेंगे. तो सबसे पहले बोर्ड पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए कुछ टॉफीज दी गई है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में. तो यहाँ देखिए ये टॉफीज कितनी है, 1, 2, 3, 4, देखिए 4 टॉफीज है. और बीच में देखिए ए एंड डी एंड और कितनी है, देखिए 2, 1, 2. तो देखिए 4 पहले थी, इसमें और 2 टॉफीज आ गई. तो अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन है, तो अब कितनी हो गई, इसको और इसको हम मिला देंगे, ठीक है. तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉफीज हमारे पास हो गई. हमने 4 और 2 को जब ऐड किया, एंड था और, तो हमारे पास 6 टॉफीज हो गई. तो इसको देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए नंबर में हम ऐसे 4 लिखेंगे, एंड की जगह ये देखिए प्लस का साइन है, सिंबल है. और फिर ये देखिए 2 टॉफीज था, तो हम 2 इस तरह लिखेंगे इक्वल टू लगा के. और फिर देखिए कितनी टॉफीज हो गई थी, 6. तो ये 6 इस तरह नंबर में, तो 4 + 2 = 6 इस तरह हम एडिशन करेंगे. अब यहाँ पे देखिए बेटा, एडिशन विदाउट कैरी, ठीक है. तो हमने 5 डिजिट के 2 नंबर्स लिए, यहाँ देखिए 63,542 एंड 24,421. अब हमें इन दोनों नंबर्स को एंड लगा है, तो ऐड करना है. तो हम अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू हम इन नंबरों को रखेंगे. तो सबसे पहले देखिए 63,542 को हम अरेंज करेंगे. यहाँ देखिए वंस प्लेस पे यहाँ 2 रखेंगे, टेंस पे देखिए ये इसका 4 होगा, 100 पे देखिए 5, 1000 पे 3 और 10,000 पे 6. इसी तरह सेकेंड नंबर हमारा ये है 24,421. अब इसे भी देखिए प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे. देखिए वंस पे 1 है हमारा, टेंस पे 2 है, 100 पे 4, 1000 पे 4 और 10,000 पे 2. ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया पहला वाला, और ये सेकंड नंबर. अब इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऐड का साइन है. तो सबसे पहले देखिए हम लोग राइट हैंड साइड से ऐड करते हैं, छोटी प्लेस वैल्यू से. तो वंस को वंस से ऐड करेंगे, टेंस को टेंस से, 100 को 100 से, 1000 को 1000 से, 10,000 को 10,000 से. ये हमारे स्टेप्स हैं. तो यहाँ देखिए 2 + 1 = 3 हो गया, 4 + 2 = 6 हो गया, 5 + 4 = 9 हो गया, 3 + 4 = 7 और 6 + 2 = 8. तो हमें ये इसका सम, इन दोनों का सम क्या आया बेटा, 87,963. ये इसका सम है, आंसर है. तो यहाँ पे देखिए बेटा, जितने भी हमने जब ऐड किया, तो ये सारे जो सिंगल डिजिट्स हैं और ये 1 से लेके 9 के ही बीच में है, ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारा, विदाउट कैरी. बच्चों अब हम विदाउट कैरी के बाद अब हम एडिशन सीखेंगे विथ कैरी. तो यहाँ बोर्ड पे देखिए बेटा, एडिशन विथ कैरी. यहाँ भी हमने देखिए 2 नंबर्स लिए हैं, यहाँ पे देखिए 6 डिजिट के हैं दोनों नंबर. ये है 7,58,696 एंड 1,57,568. अब हम इसे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे अरेंज कर देंगे. यहाँ देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 तक की हमने प्लेस वैल्यू लिख ली. अब इसमें देखिए फर्स्ट नंबर को हम अरेंज करेंगे. यहाँ पे देखिए वंस पे 6 हो गया हमारा, टेंस पे देखिए 9, 100 पे देखिए 6 है, 1000 पे देखिए हमारा 8 है, 10,000 पे 5 है, लाख पे 7 हमने लिख दिया. ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया. सेकेंड नंबर देखिए, यहाँ पे वंस पे देखिए 8, टेंस पे देखिए 6, 100 पे देखिए 5, 1000 पे देखिए हमारा 7 है, 10,000 पे 5 है और लाख पे 1. और ये हमारा देखिए सिंबल है एडिशन का, प्लस साइन है. अब हम इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, तो हम छोटे प्लेस वैल्यू से वंस से, वंस को वंस से, टेंस को टेंस से, 100 को 100 से, 1000 को 1000 से, 10,000 को 10,000 से और लाख को लाख से ऐड करेंगे. तो यहाँ पे देखिए 6 + 8 हमारा कितना हो गया बेटा, 14. अब यहाँ देखिए 14 जो है वो 9 से बड़ा है. 9 के बाद देखिए जब हम लिखते हैं 1010, तो ये 2 डिजिट हो गया और ये देखिए 14 उससे बड़ा है. तो यानी कि इसमें हमारे पास ये 4 जो है, ये 4 वंस है और 1 10. तो 4 वंस हमने यहाँ लिख दिया और ये हमारा 1 10 कैरी ओवर जाएगा टेंस पे. यहाँ पे देखिए ये 1 10. अब हम
इस टेंस को रीग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 9 और 6 था, अब हमारे पास एक कैरी ओवर होके 110 आया है जो ये है, तो 9 प्लस 6 हम करेंगे 15, 15 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी 16। अब यहाँ पे देखिए 16 में भी यहाँ 2 है, यहाँ देखिए 6 टेंस हम यहाँ लिखेंगे और 10 टेंस हमारा कैरी ओवर जाएगा 100 पे। तो इस तरह देखिए यहाँ पे कैरी होगा 100। अब यहाँ देखिए इसकी भी रीग्रुपिंग हो गई, 6 प्लस 5 और प्लस 1 हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12। 12 का यहाँ 2 और कैरी ओवर 1 इस पे आ जाएगा 1000 पे। फिर यहाँ पे देखिए 8 प्लस 7 15 हो गया, 15 में एक कैरी ओवर 1 ऐड करेंगे 16, 16 का 6 लिखेंगे, फिर एक कैरी ओवर जाएगा 10000 पे। फिर यहाँ देखिए 5 5 10 और प्लस 1, तो इसकी रीग्रुपिंग हो गई तो 11, 11 का 1 देखिए यहाँ पे 11 ऐसे लिखते हैं, 11 का 1 इधर और ये जो 1 है वो लैग के ऊपर जाएगा। अब फिर लैग की रीग्रुपिंग करेंगे, यहाँ देखिए 7 प्लस 1 8 और प्लस 1 9, तो इस तरह से हमें इसका सम मिल जाएगा। तो इसे हम पढ़ेंगे 9,16,264। इस तरह से हम लोगों ने आज विथ कैरी और विदाउट कैरी वाले एडिशन सीखे। इसमें हम दो या दो से ज़्यादा नंबरों को ऐड कर सकते हैं। बच्चों चलिए अब हम लोग इसका कुछ एक्सरसाइज वर्क कर लेते हैं। यहाँ बोर्ड पे देखिए बेटा, यहाँ लिखा है ऐड इट, मतलब कि जोड़ना है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है 35,421 एंड 52,136। ये दो नंबर्स हमें दिए गए हैं, इसे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों नंबरों को कॉलम में अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखेंगे 35,421 और उसी के ठीक नीचे 52,136। अब हम 1 से प्लेस से ऐड करेंगे। यहाँ देखिए 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, फिर 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 5 8। तो हमारी जो हमारी संख्या है वो हो जाएगी 87,557। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ये भी देखिए 5 डिजिट के दो नंबर हैं 64,578 एंड 25,732। इसे भी हम कॉलम में अरेंज कर लेंगे इस तरह 64,578 और इसी के ठीक नीचे सेकंड नंबर हमारा है 25,732। अब यहाँ पे देखिए 8 प्लस 2 कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी गया 1, फिर 7 प्लस 3 10, 10 और प्लस 1 11, 11 का 1 यहाँ उतारेंगे और 1 कैरी ओवर जाएगा। फिर देखिए 5 प्लस 7 हमारा 12 होता है, 12 में एक ऐड करिए 13, 13 का जो 3 होगा वो यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी ओवर जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए 4 प्लस 5 9, 9 में 1 ऐड किया 10, तो 10 का 0 यहाँ लिख देंगे और 1 कैरी ओवर। फिर 6 प्लस 2 हमारा 8, 8 में 1 कैरी जो है 9, तो अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी बेटा 90,310। इन दोनों को ऐड करने पे ये सम आएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा देखिए 6 डिजिट का है, ये दोनों 6,53,468 एंड 2,64,373। इसे भी हम कॉलम में देखिए बेटा इस तरह अरेंज कर लेंगे, पहली वाली संख्या यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 6,53,468 और इसी के ठीक नीचे सेकंड नंबर हम लिखेंगे 2,64,373। अब इसे भी हम ऐड करेंगे यहाँ से 1 से, देखिए 8 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 11, 11 का 1 हम यहाँ 11 इस तरह लिखते हैं, इसका ये वाला 1 यहाँ उतारेंगे और ये 1 कैरी ओवर हो जाएगा 10 पे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 प्लस 7 13, 13 में 1 ऐड करेंगे 14, 14 का 4 कैरी गया 1। फिर यहाँ देखिए 4 प्लस 3 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 आएगा यहाँ उतार देंगे। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं, 8 सिंगल डिजिट था पूरा उतर गया। फिर 3 प्लस 4 7 और यहाँ देखिए 5 प्लस 6 हमारा होता है 11, 11 का 1 यहाँ उतरेगा और ये वाला 1 जो है वो कैरी ओवर जाएगा 6 के ऊपर। अब यहाँ देखिए 6 प्लस 2 8 और प्लस 1 9, तो हमारी संख्या हो जाएगी 9,17,841। तो इस तरह से बेटा हम लोग 5 और 6 डिजिट का कैरी और विदाउट कैरी वाले सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।
हूँ।